Hey there, Aries. Welcome to my channel, Dream Tarot. Hope you are doing good in your life and overall in your life. This month, I will do reading frequently regarding your love life. Hope you will get the message what you want to know. और देखते हैं कि इस टाइम फ्रेम में बाकी के जून के महीने में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. एरी साइन. ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स. अगर आपको लगता है कि मेरी एनर्जीज मेरी रीडिंग्स आपसे रेजोनेट करती हैं तो उन्हें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में शेयर करें ताकि आपकी तरफ से मुझे कुछ हेल्प हासिल हो. ओके, एक कार्ड और लेते हैं फॉर एरीज. स्ट्रेंथ. Ten of Wands and King of Wands. Maybe you are very much passionate about something. You are getting charming. आप बहुत ज़्यादा passionate हैं और बहुत ज़्यादा attractive हुए हैं इस वक्त, या फिर बहुत ज़्यादा action oriented हुए हैं. आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा किसी action में आप बहुत ज़्यादा busy हैं. आपके ऊपर बहुत सी responsibilities हैं इस वक्त और आप उन responsibilities को बिल्कुल अपने करना चाहते हैं पूरा, और उसके लिए आप बहुत ज़्यादा मुझे इंथुजियास्टिक भी नज़र आते हैं और पैशनेट भी नज़र आते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए. और यहाँ पे मुझे हो सकता है कि ये एक फैमिली कमिटमेंट हो, एक कमिटमेंट आपको करनी है. शायद ये नए रिलेशनशिप में एंटर होने की कमिटमेंट हो जिसमें आप पूरी तरीके से ओथ ले रहे हैं कि आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उठा रहे हैं. तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये मैरिज सेरेमनी भी हो सकती है जिसमें एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, चार्मिंग होता है, उसकी तरफ सबकी जो लाइमलाइट में होता है और अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना चाह रहा होता है. और ये एक सेलिब्रेशन की भी एनर्जी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही थी. हो सकता है कि कोई सेलिब्रेशन हो, लाइक मैरिज ओथ टाइप के एक पर्सन जो है वो एक हल्फ लेता है कि मैं इस रिलेशनशिप को आगे लेके चलूँगा. इस टाइप की भी सिचुएशन हो सकती है, या फिर आपकी करंटली आप जिस रिलेशनशिप में हैं, हो सकता है ये रिकन्सिलिएशन की एनर्जी हो कि आप किसी उस पर्सन के साथ रिकन्साइल करना चाह रहे हो और एक फैमिली की तरह आप लोग दोबारा से एक दूसरे की तरह के साथ टुगेदर हुए हों और आप जो हैं बिल्कुल इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हुए हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने के लिए. तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है आपकी. यहाँ पर मुझे बाकी जो कार्ड नज़र आते हैं, लेट मी सेट माय कैमरा. सो बिकॉज वहाँ पे उस साइड पे बहुत ज़्यादा लाइटिंग है तो यहाँ पर मैं आपको सेट करती हूँ अपना कैमरा. सो और आपने एक डिसीजन भी लिया हुआ इस टाइम. आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल होके भी सोच रहे हैं, डिसीजन भी ले रहे हैं और लॉजिकल होके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, डिसीजन भी आपने लिया है अपनी इस जो भी आपने ये ओथ लिया है. यहाँ पर शायद आपने कोई ओथ लिया है और ये किसी कंपनी में भी हो सकता है जो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फाइड हों. और बट ये मुझे ज़्यादा रिलेशनशिप के हवाले से देखा जाए तो रिलेशनशिप में आपने एक ओथ लिया है और आपने ये सोच समझ के बहुत आपने एक ऐसा फैसला किया जिसमें आपने बहुत ज़्यादा सोचा समझा और लॉजिकली हर एस्पेक्ट से सोचने के बाद आपने ये डिसीजन लिया है. एक डिसीजन आपने बनाया है और आप मतलब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आप इस वक्त हैं क्योंकि आप इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी नज़र आ रहे हैं. और यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग मुझे नज़र आ रही है आपकी लव लाइफ में. हो सकता है ये एक नया पर्सन हो जिसके साथ आपने एक कमिटमेंट हुई हो आपकी, और या फिर पुराने पर्सन के साथ आपका रिकन्सिलिएशन हो सकता है. लव लाइफ में न्यू बिगनिंग हो सकती है और हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के ऊपर स्पाई भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा.
अगर पास पर्सन है तो पास पर्सन आपके ऊपर स्पाई कर रहा होगा या आप उसके ऊपर स्पाई कर रहे होंगे, उसके मतलब स्पाई कर मतलब आप उसके सोशल मीडिया में देखें, वो आपके सोशल मीडिया में देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी बातचीत नहीं है लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उनको उस सबको जानने के लिए वो ये सब देख रहा है। और आप भी ये कर सकते हैं अगर ये पास पर्सन है, जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा कि रिकन्सिलिएशन हो रही है, तो आफ्टर दिस रिकन्सिलिएशन हो सकता है कोई इनिशिएट ले, आपने डिसीजन बनाया, आपने इनिशिएट लिया कम्युनिकेट करने का, आप रेडी टू टॉक हैं, और जो भी हो सकता है आप किसी की आप पे नज़र हो, बहुत किसी ने नज़र रखी हुई बहुत अरसे से आप पर, और अब वो आपसे बात करना चाहता है, आपसे एक कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर होना चाहता है। और इस तरह से होता है कि एक मैरिज प्रपोज़ल बहुत अरसे से आया हुआ होता है, उस पर बातचीत चल रही होती है, देखभाल की जा रही होती है कि आए ये प्रपोज़ल ठीक है कि नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब वो जो है एक्सेप्ट हो चुका है और एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में, लव लाइफ में हो रही है। अगर मैं ये सिंगल्स की बात कर रही हूँ कि वो लोग जो अरेंज मैरिजेस में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, में ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो उनके लिए ये सिचुएशन हो सकती है। और ये एक नई सिचुएशन, एक नए पर्सन की सिचुएशन भी हो सकती है कि एक नया पर्सन जिसको बहुत देर से आप स्वाई कर रहे थे, जांच पड़ताल कर रहे थे कि ये बंदा सही है या बंदी सही है, तो आपने अब जो है वो एक्शन लिया है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का इस रिलेशनशिप की, और अब ये आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एक स्टेप लिया है आपने, और इसको आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आप फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। आपको लगता है कि रिलेशनशिप आगे तक जा सकता है क्योंकि आफ्टर बहुत ज़्यादा देखभाल के बाद आपने ये डिसीजन लिया है, तो हो सकता है कि आपको लगता होगा ये रिलेशनशिप जो है वो आगे जाएगा। और आप हो सकता है किसी लियो से डील कर रहे हो, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस से भी डील कर सकते हैं आप, और आप किसी जैसे लियो मैंने कहा कि फायर साइन लियो से डील कर सकते हैं, और वो कोई भी फायर साइन हो सकता है, ये भी इज़ लियो सजिटेरियस। तो लेकिन मुझे हो सकता है आपकी एनर्जी ज़्यादा हो और आप इस वक्त एक्शन भी आप मतलब आप अगर आप ये किसी भी पर्सन की एनर्जी हो, अगर आपकी एनर्जी आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हैं, और अगर आपके पर्सन की एनर्जी है तो वो इस वक्त बहुत ज़्यादा लॉजिकल होके और पैशनेट होके सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के हवाले से। और पास पर्सन भी है, कोई भी रिलेशनशिप हो, मैरिड रिलेशनशिप होता है उसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, तो उसके हवाले से भी ये रीडिंग हो सकती है कि आप लोग एक दूसरे से या तो बात अगर नहीं हो रही है तो आप लोग एक दूसरे को स्पाई कर रहे हैं, बात हो रही है तो बहुत ऑन सोशल मीडिया पे हो रही है। जैसे अगर हस्बैंड वाइफ भी बात करें तो वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा बात करें जैसे सेपरेशन के टाइम फ्रेम में। सो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, और यहाँ पे मुझे नई बिगनिंग नज़र आ रही है इस रिलेशनशिप की, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आगे जाएगा। अगर रिलेशनशिप अभी आपका बिल्ड होता है न्यू रिलेशनशिप, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आगे जाएगा। सो एवरीज ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून। इफ़ इट्स रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कंफर्म इन कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।